दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल STK न्यूज में। बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता और साउथ इंडियन मूवी के सबसे बड़े अभिनेता जो कि महेश बाबू, जिनको दोस्तों आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। महेश बाबू एक साउथ इंडियन मूवी के एक बहुत ही अच्छे कलाकार और हीरो के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी मूवियों में जो है हीरो का किरदार निभाकर अपने फैंस को खुश किया है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महेश बाबू ने आखिर कुरान को लेकर क्या ऐसा कह दिया जिससे जो है उनके फैंस और मुसलमान भाई भी काफ़ी खुश हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। तो दोस्तों अगर आप भी महेश बाबू के बड़े फैन हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। दोस्तों अगर आप भी कुरान को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बॉलीवुड के हार्ट थ्रोब महेश बाबू की हालिया सफलता ने उनकी ब्लॉकबस्टर के साथ हजारों प्रशंसकों को आकर्षित किया है। एक सम्मेलन वीडियो के अनुसार जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां अभिनेता से इस्लाम पर बात करने का दावा किया जाता है और इसके सिद्धांत मूल्यों को बाद में सभी प्लेटफार्म पर ले लिया गया। जी हाँ, जब अभिनेता से आतंकवाद और इस्लाम पर सवाल किया गया था तो अभिनेता ने जवाब दिया कि आतंकवादी मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुसलमान नहीं कहा जा सकता क्योंकि रसूल और पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी इंसान या प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया है और ना ही होली बुक कुरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वास्तव में पवित्र पुस्तक न केवल आतंकवाद के खिलाफ बोलती थी बल्कि किसी भी प्राणी के साथ अन्याय के खिलाफ भी बात करती थी। मैसेंजर ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी मानव के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय पृथ्वी पर पूरी मानवता और स्वयं दूत के प्रति अन्याय के बराबर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान जब महेश बाबू से पूछा गया तो कुरान को लेकर उन्होंने ये बात कह दी जिससे उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और सभी मुसलमान भाई भी इनके जो है इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और इनकी बॉलीवुड में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से, और जी हाँ दोस्तों अगर और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल STK न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।